क्या ये जमीन कब से जानते हैं? ये सब हमारा ही है। ए विजय चौबे की जमीन थी। आप राजा राम त्रिपाठी हो? हम भाई हूँ। किराए के हाथ भी है, यहाँ तो मंत्री की इतनी गुंडाई है कि चाहे जो करवा दे। कोर्ट के आदेश के बाद भी पालन नहीं हो पा रहा, कमिश्नर साहब भी कोई सुन पा रहा है? इस शासकीय भूमि की सरकारी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये आ रहे हैं, आप बात कर लीजिएगा, जो करना। ये सब मंत्री जी के अधीनस्थ सब गुंडे हैं। छोटे छोटे अपराध करते तो घर में बुलडोजर चल जाते। नो कमेंट। वार्ड के पार्षद भाजपा पार्टी के पार्षद 100% कांग्रेसी है, वो 1000 लोगों की जमीन में लड़ रहे हैं। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। एक बार फिर एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं जिसमें करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन का बंदरबांट किया जा रहा है। यह बंदरबांट करने के आरोप मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राम खेलावन पटेल, उनकी पत्नी और सहयोगियों पर लगा है। जब बाढ़ ही खेत खा जाए तो किस पर विश्वास करे, यह कहावत चरित्रार्थ हो रही है सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में, जहां नगर पंचायत की करोड़ों रुपए की बेस कीमती जमीन का भूमाफिया बंदरबांट कर रहा है। दरअसल रीवा कमिश्नर न्यायालय में अपील की गई थी, जिसमें अपील करने वाले थे अरुण कुमार त्रिपाठी, वरुण कुमार त्रिपाठी, शरद कुमार त्रिपाठी, प्रमील कुमार त्रिपाठी, अरविंद कुमार त्रिपाठी, सभी अमरपाटन के रहने वाले हैं, जिसे कमिश्नर रीवा ने अस्वीकार कर दिया है और पुराने आदेश को यथावत रखा है। दरअसल विनोद कुमार जैन ने उक्त मामले की शिकायत की थी कि आरआजी नंबर 154/2, 158/2 और 179 मध्य प्रदेश शासन की है, जिस पर उक्त लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। उक्त मामला अमरपाटन तहसील पहुंचा, जहां अमरपाटन तहसील ने भी माना कि उक्त जमीन मध्य प्रदेश शासन की है, जिसके बाद त्रिपाठी परिवार एसडीएम न्यायालय पहुंचा तो एसडीएम न्यायालय ने भी तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा और अपील निरस्त कर दी। इसके बाद मामला रीवा कमिश्नर न्यायालय पहुंचा तो रीवा कमिश्नर ने भी उक्त पुराने दोनों आदेशों को यथावत रखते हुए उक्त जमीन मध्य प्रदेश शासन की मानी और अपील निरस्त कर दी। सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि 2003 में मध्य प्रदेश शासन की जमीन घोषित होने के बाद और किसी का नाम ना दर्ज होने के बाद भी उक्त आदेश का पालन नहीं हो पाया और उक्त जमीन को खंड खंड कर बेचा जा रहा था। इस जमीन की बंदरबांट में वर्तमान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राम खेलावन पटेल के शामिल होने के आरोप है, जिनकी पत्नी उषा किरण पटेल के नाम से 158/2 का पट्टा हो गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त जमीन ग्राम उमराही मथुरियान की उक्त भूमि मध्य प्रदेश शासन की है, जिसका कोई आदेश नहीं हुआ है। बिना आदेश के खसरों में अवैधानिक इंद्राज कराया गया है। शिकायतकर्ता विनोद कुमार जैन के छोटे भाई विमल कुमार जैन ने बताया कि 279 नंबर की जमीन में अशोक त्रिपाठी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। 158/2 का पट्टा मंत्री राम खेलावन पटेल की पत्नी उषा किरण पटेल के नाम किया गया है, जबकि 154/2 में राजा राम त्रिपाठी के द्वारा कॉम्प्लेक्स बनवाया जा रहा है। इन करोड़ों की संपत्ति का बंदरबांट हुआ और यह पूरा खेल मंत्री के सह पर किया जा रहा है। पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम अमरपाटन पहुंची तो कमिश्नर के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा था और उक्त कार्य करवाने वाले दर्जनों आपराधिक किस्म के गुंडे मौके पर मौजूद थे, जिनकी छत्रछाया में शासन की जमीन पर निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है और पुलिस प्रशासन बौना साबित हो रहा है। पहले हम आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता और स्थानीय लोगों को, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से अमरपाटन विधायक राम खेलावन पटेल, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, किस तरह से अवैध रूप से जमीनों पर अतिक्रमण किया है और शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे अमरपाटन एसडीएम के पांडे का पूरे मामले में क्या कहना है और जानेंगे विपक्ष क्या कहता है। हम हैं सतना जिले के अमरपाटन जनपद पंचायत में और खासकर ये जो क्षेत्र है, वर्तमान में जो मंत्री हैं राम खेलावन पटेल जी,
तो ये क्षेत्र है रामखिलावन पटेल जी का, और ये जो जमीन पर खड़े हैं, जमीन विवादित है। बताया जाता है कि ये जमीन पहले शासकीय थी, लेकिन किसी तरह से कागजों में अपने सत्ता का उपयोग करके इस जमीन को पर्सनल नाम से करा लिया गया। जो ये पीड़ित है, पीड़ितों ने कई बार न्यायालय में शरण में पहुंचे, लेकिन वहां से आज तक तामील नहीं हो पाया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पुलिस प्रशासन ने तामील नहीं कर पाया, शमन तामील नहीं हुआ, तहसील से जो स्टे का आदेश जारी हुए वो तामील नहीं हो पाए, जिसके कारण से परेशान होकर कमिश्नर न्यायालय पहुंचे। कमिश्नर न्यायालय से भी आपको मदद मिली और ये जमीन बताया जाता है पुनः शासकीय हो गई है। इस मामले में मेरे साथ हैं जो इसके शिकायतकर्ता हैं, पीड़ित है, तो आइए पूरी जानते हैं कि किस तरह से पूरी घटना घटी, कैसे जमीन पहले थी, फिर किसकी जमीन हुई और वर्तमान में क्या है। ये जमीन रामखिलावन जी जो मंत्री हैं उनके पत्नी के नाम है। पहले पूर्व में ये जमीन मध्य प्रदेश शासन की थी, फिर कुछ फर्जीवाड़ा करके इसको पट्टा कराया गया। उसके बाद रामखिलावन जी ने अपने पत्नी के नाम से जमीन ले ली, जिसको तहसीलदार अमर पाटन ने उनका पट्टा कैंसिल करने के लिए आदेश किया तो नहीं हो पाया। फिर SDM के यहाँ अपील हुई तो SDM ने मध्य प्रदेश शासन घोषित किया, फिर भी खसरे में दर्ज नहीं हुई SDM के खिलाफ। फिर उन्होंने कमिश्नर के यहाँ आवेदन दिया। आज 16 तारीख को कमिश्नर रीवा के द्वारा भी ये जमीन मध्य प्रदेश शासन घोषित कर दी गई है। इसके बावजूद भी अभी तक खसरे में दर्ज इंतलाबी नहीं हो पाई इस जमीन की, और ये लोग अवैध कब्जा करके करोड़ों की जमीन, ये जो राज्य मंत्री अमर पाटन और रामखिलावन पटेल जी है ना, ये ऐसी एक नहीं दसियों जमीनों में इन्होंने अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, अवैध तरीके से खरीदी करके रखी है। इसी प्रकार राज्य गृह मंत्री के भाई का एक प्रकरण है अमर पाटन में सुंदर कोल का 28 डिसमिल जमीन, जो अपने जहाँ पे अभी अपन है इसके पीछे है, इनकी जमीन 2-4 एकड़ है, उसमें साथ लगी थी, उसको उन्होंने अवैध तरीके से खरीदवा लिया। कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार कहती है भूमाफिया के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो असली भूमाफिया तो आपके आवास से तो यहीं से लगता है पूरा भूमाफिया। ये रामखिलावन जी का पैतृक अगर देखा जाए तो इनके पास 8-10 एकड़ जमीन के काश्तकार इनके पिताजी थे, और आज की तारीख में इनके पास अमर पाटन नहीं सतना शहडोल सभी जगह मिला के देखा जाए तो कम से कम सैकड़ों एकड़ जमीन इनके पास है, इनके भाई पट्टीदारों के नाम जमीन पर खड़े है। इसका नंबर क्या है खसरा नंबर? 158/2। ये पहले जमीन मध्य शासन थी, फिर ये कब इनके नाम से हो गया? ये अभी इनके नाम से करीब 7-8 साल पहले इन्होंने जमीन क्रय की है, और पहले इनके नाम से थी, फिर इन्होंने अपने पत्नी के नाम करा दिया। तो अभी वर्तमान में जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश शासन फिर से हुई, कमिश्नर के यहाँ से न्याय मिला, आप पहले यहाँ अमरपाटन तहसील में न करके रामपुर बघेलान पहुंचे थे, इसका कारण क्या था? इसका क्या कारण था कि यहाँ जो तहसीलदार SDO पुलिस प्रशासन था, पूरा प्रशासन इनके मंत्री के दबाव में था। हम किसी के पास मदद के लिए जाते थे तो हमें मदद तो देते नहीं थे, ऊपर से डांट डपट के भगा दिया जाता था, मेरा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता था। चलो समय जो इस्टे मिला था वो तामील नहीं करवाई पुलिस ने, क्या कर रहा था उसमें TI ने क्या हुआ था जब यहाँ तो कुछ देते नहीं थे, फिर अपन यहाँ से अपना प्रकरण ट्रांसफर करके रामपुर बघलान गए, वहां से SDM ने आज से 1-1.5 साल पहले भी स्टे जारी किया था जिसे पुलिस प्रशासन ने तामील नहीं कराया। अमर पाटन के तहसीलदार या SDM ने मेरा कोई सहयोग नहीं किया। अभी जब सामने जो अपने देख रहे हैं राजा राम बिल्डिंग के बन रही है, राजा राम त्रिपाठी की बिल्डिंग, तो अपन पुणे SDM रामपुर बघलान में गए, आवेदन दिया कि आपके स्टे के बावजूद भी निर्माण कार्य लोग कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, यहाँ भी मंत्री ने कब्जा कराने की कोशिश की थी, लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के मंत्री तो ठीक है, जो कांग्रेस के हैं राजा राम त्रिपाठी जी पहले से रहे, अब भाजपा में चले गए, पार्षद है अब, नगर पंचायत पार्षद है अभी प्रेजेंट में, कहाँ के ये? अमर पाटन वो राजा राम के, ये राजा राम त्रिपाठी सपना वालों से तो कोई इसका जोड़ नहीं, कोई नहीं, राजा राम त्रिपाठी अमर पाटन के हैं, इनके पिताजी पहले यहाँ मास्टर थे, पिताजी हाँ मास्टर थे, अब ये इनका अपन ने स्टे ला के दिया, तो जब अपन ने स्टे थाने में दिया तो TI अमर पाटन जो संदीप भारती जी हैं, इन्होंने स्टे की कॉपी में लिख दिया कि माननीय द्वारा पुलिस को निर्देशित नहीं किया गया, इसलिए पुलिस कोई मदद नहीं करती स्टे के खिलाफ में। मिलाकर मंत्री और सत्ता के दबाव में कोई सुनवाई नहीं हो पाई, अभी कमिश्नर के यहाँ से आपको जो आदेश मिला है पुनः ये मध्य प्रदेश शासन दर्ज हो गई, तो क्या लगता है कितना सफल हो पाएगा? अब देखना ये है कि SDM कितने दबाव में आते हैं और कितना अपना फर्ज पूरा करते हैं, अभी ये गारंटी नहीं कि SDM इसको मध्य प्रदेश शासन इंदराज करवा देंगे। मध्य प्रदेश शासन की जमीन होने के बारे में इसका क्या फायदा है, क्या लोगों को फायदा मिल सकता है, पार्क बनाया जा सकता है शासकीय? अमर पाटन में इस पूरे परिसर में अमर पाटन चौराहे से लेके कहीं भी यात्रियों को या नगर के वासियों को सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर ये जमीन
यहाँ के सुलभ कॉम्प्लेक्स में उपयोग की जाती या यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाती किराए से चलती, तो जैसे पूर्व में अमरपाटन में पहले नगर पालिका अध्यक्ष आजाद कुमार जैन थे, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारी दुकानें बनाई जिससे नगर पालिका को एक ठोस आमदनी होती थी, और जब से मंत्री जी आए हैं तो ये जमीन को हड़पने का काम चालू कर। विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष कुछ नहीं कहता या विपक्ष भी शांत है, मिला हुआ है इनसे? नहीं, विपक्ष मिला नहीं हुआ है, विपक्ष पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं। जो माननीय दादा भाई हैं वो भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है कि इस सरकार के दबाव में कोई भी अफसर सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि कलेक्टर भी सुनने को तैयार नहीं है। कमिश्नर एसपी के पास भी अपन शिकायत करने गए कि ये एसटी के बावजूद काम लगा, तो एसपी ने भी कह दिया कि भाई ये तो पुलिस को नहीं लिखा गया, तो पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या वैल्यू हो सकती है इस जमीन की? जहाँ जमीन की कम से कम 20 करोड़ रुपए से ऊपर ही है, जो मंत्री जी की पत्नी के नाम है, ये जमीन आज कम से कम 20 करोड़ रुपए की है। राजा राम त्रिपाठी जी के द्वारा बनवाया गया, ये कैसी जमीन थी, किसकी जमीन थी, अभी ये जमीन मध्य प्रदेश शासन की थी। इनके पिताजी पूर्व में पवाईदार भी थे और सरकारी कर्मचारी भी थे, उनके नाम आवंटित है जबकि ऐसा संभव नहीं है। और कब आवंटित, किसने की, कैसे की, कोई इंद्राज नहीं है। अपन ने 1958 से इसका पूरा खसरत जांच की, कहीं भी किसी प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर से ये जमीन इनके नाम मिलाट नहीं हुई। और दूसरा, जब ये मास्टर थे सरकारी और पवाईदार थे तो इन्हें भूमि उनमें जो है ना आवंटित हो भी नहीं सकती थी। कुल मिलाकर सरकारी जमीन का अपने नाम से करवाना और उसका बिक्री करना, कॉम्प्लेक्स करके इस तरह से कारोबार चल रहा है, उसमें प्रशासन भी सहयोग। हाँ, ये एक गिरोह है पूरा मंत्री जी के साथ में, जो सरकारी जमीनों को या दबे कुचले लोगों की जमीनों में अवैध रूप से दबाव बना के खरीदता है और उसमें कब्जा कर लेता है। निर्माण चल रहा था अभी भी, अभी अभी अपन ने ये सरकारी घोषित हुई है कमिश्नर साहब से, अपन ने एसडीएम अमर पाटन को दाखिल खसरे में इंदराज करने के लिए दिया हुआ है एक कॉपी, और वहां से भी फाइल रिटर्न आ गई है इनकी अपील की। अब देखना यह है कि एसडीएम अमर पाटन कितना दबाव में काम करता है या कितना फर्ज अपना निभाता है। क्या नाम है आपका? राम किशोर साकी। कब से जानते हैं इस जमीन को मध्य प्रदेश शासन की? ये करीबन मेरे को हो गया 20 से 25 साल। फिर बीच में ये पता चला कि ये जो मंत्री हैं राम खिलावन जी, यहाँ से विधायक हैं, उनकी पत्नी के नाम से है, ऐसा कुछ हो गया था जी, ये जानकारी हुई। तो कैसे हो गया होगा ये? अब ये प्रशासन जो है, जैसे एस डी ओ है, तहसीलदार है, तो ये जो कहते हैं उन्हीं के कहने पर ये काम कर रहे हैं। अगर कोई आवेदन भी लगाता है कि बताता कि ऐसे काम ना किया जाए तो सुनने को तैयार ही नहीं है। मिलाकर सत्ता का दबाव जी, जी, जी। पुलिस प्रशासन उनके कब्जे में, जैसा चाहा वैसा करवाया जी जी जी। अभी कैसे ऐसा कैसे उपयोग किया जाए कि सार्वजनिक उपयोग हो जाए, सार्वजनिक यहाँ पे? सर ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत के माध्यम से अगर शासन प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, कि नगर पंचायत की दुकानें बनाई जाए, कि या कोई पार्क बना दी जाए, तो उसमें जो है ना, तो ये अमरपाटन के नगरवासियों का फायदा होगा सर, वो अवैध तरीके से कब्जा तो कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर अपने लाभ के लिए देखा जी, जी स्वयं का लाभ है सर, वो किसी के नहीं, वो अपने लाने, यहाँ के जो अमरपाटन की जनता है उनके बारे में कोई सोच नहीं है। तो जनता या विरोध, जो विपक्ष थे, इससे पहले मंत्री थे राजेंद्र कुमार सिंह जी, यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, और जो लोग नेता हैं जो चुनाव के टाइम में आते हैं, वो उनका रोल क्या है? वो भी क्या मिले हुए कुछ विरोध? नहीं नहीं, मिले हुए नहीं, वो चाहते हैं सर, वो चाहते हैं कि गलत काम ना हो। कुल मिलाकर भू माफिया टाइप का जो जमीन में कब्जा करते हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, अपने नाम से कर लेते हैं, तो क्या यहाँ के मंत्री विधायक खुद कर रहे हैं ऐसा लगता है? नहीं, मेरे को तो लग रहा है सर कि स्वयं कर रहे हैं। अभी ये वर्तमान में जो है सरकारी जमीन है, ये सरकारी है, पूरा अमरपाटन जाता है, पूरा क्षेत्र जान रहा है, लेकिन उनमें निर्माण हो रहा है सर। कौन करवा रहा है? राजा राम त्रिपाठी। कौन है वो? वो वर्तमान में पार्षद हैं, बाढ़ के पार्षद, भाजपा पार्टी के पार्षद, भाजपा पार्टी से पार्षद। सत्ता कारण होने के कारण जी जी, जी, जी नहीं हो पा रही, मेन सत्ता का ही कारण है सर। और कहीं ऊपरी अदालत पर आप सुने होंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भू माफिया को नेस्तनाबूद कर देंगे, हटा देंगे, घर गिरा देंगे, बिल्डिंग गिरा देंगे, छोटे छोटे अपराध करते तो उनके घर में बुलडोजर चल जाते हैं, तो ये क्या लगता है कि यहाँ कैसे चल रहा है? कहते तो हैं सर जी, लेकिन मामला ये है कि पार्टी के हैं, पार्टी की वजह से संरक्षण तो उन्हीं का है। अगर संरक्षण ना होते तो कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब ने आदेश दिया कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब आदेश करते एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब को पुलिस प्रशासन को आदेश करना चाहिए। क्या लगता है कितनी जमीनें ऐसी होंगी जिसमें लोग कब्जा किए हैं, सत्ता के दबाव में किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, खाली नहीं करवाया जा रहा? ये तो हमारे ख्याल से कम 10-15 प्लाट इस तरह के हैं अमरपाटन के अंदर, कि जो इनके दबाव में चल रहे हैं। किसके? जैसे मंत्री जी हो गए, राजा राम त्रिपाठी जी हो गए, मंत्री जी भी नहीं, मंत्री जी भी ये नहीं चाह रहे कि मतलब यहाँ पे जो है ना, अगर मध्य प्रदेश शासन की जमीन है तो सुरक्षित रहे।
क्या ये जमीन कब से जानते हैं? ये तो जब मंत्री जी खरीदे हैं तो हम नहीं जानते, सास की थी, कैसे सी मंत्री जी खरीदे। अच्छा, और ये नहीं जानते सास की रही कि कैसा रही। उनके नाम से पट्टा हो गया? उनके नाम से पट्टा हुआ। पुरानी जमीन किसकी थी कुछ है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। अभी वर्तमान में किसकी है ये भी आइडिया? नो कमेंट। ये सब हमारा ही है। हाँ। ये आ रहे हैं, आप बात कर लीजिएगा जो करना है। वो आ रहे हैं, आप बैठिए। कुछ लोग आए जी, तो बोली मैं राजा राम त्रिपाठी का भाई हूँ। ये सब मंत्री जी के अधीनस्थ, ये सब गुंडे हैं। हाँ। ये इनकी काम है कि जमीनों में अतिक्रमण करना, गुंडाई करना, लोगों में भय पैदा करना। अभी इसी तरह क्या था, अभी एक फूड इंस्पेक्टर सतना से आया था, उन्होंने ये गुंडा स्वामी करके है इनके शागिर्द का, उसके ढाबा में उन्होंने कुछ सैंपलिंग कर ली, तो उस अफसर, सरकारी अफसर को ऑडियो वायरल हुआ था जिसका। हाँ, ऑडियो वायरल हुआ था। उसको इतना मारा बांध के और उसका किडनैपिंग करके पहाड़ ले गए, उसे जान से मारने का प्रयास भी किया था। तो ये उस, बन रही है, ये सब ऐसे गुंडाई, सब गुंडाई पे है। और जब उसमें मंत्री जी का भी बयान आया था कि सारे तेरे को भेज देंगे कहाँ, बक्सर, अगर तुम और पाटन गए तो, या मेरे आदमियों को परेशान किया तो। यहाँ तो मंत्री की इतनी गुंडाई है कि चाहे जो करवा दे। क्या ये सब उनके भाई हो रहे हैं? सब उनके भाई हैं, जो भाई जितने हैं बताते हैं, जो भाई भाई नहीं है। ये भाई ऐसे किराए के हैं आदमी, ये कुछ अभी इनका खुद भी दुश्मनी चलती है भाई के नाम से, परिवारवाद के नाम से। ब्राह्मण ब्राह्मण का मानते हैं कि भाईचारा लग जाता है, लेकिन सगे भाई नहीं है। कुल मिलाकर सब जातिवाद, सब जातिवाद का है। जो जिसको जितना नोच सको, जनता का जितना खा सको। इनका क्या है कि अभी मंत्री जी को यह मालूम है कि अभी अपन मंत्री बने जितनी जमीन अपन हड़प सके उतनी जमीन सरकारी हो, जो दबे कुचले लोग उनकी जमीन में जबरदस्ती खरीद लेना। आपकी जो जमीन बगल में है जी, और ये बगल में शासकीय जमीन थी, किसकी जमीन थी ये पीछे जो त्रिपाठी जी की? नहीं, इनके पीछे मेरी जमीन थी 152 में, विनोद कुमार जैन, विमल कुमार जैन की है। आएंगे ये जमीन खाली थी मध्य प्रदेश शासन। क्या इसके पूर्व में हमारी एक जमीन 155 नंबर विनोद कुमार जैन की, कटेसरिया जब कलेक्टर था तो कमिश्नर के यहाँ अपील चलती थी और हम जज्जी से जीते थे, हाई कोर्ट से भी अपील इनकी खारिज हो गई, मैं जीता था और कलेक्टर ने 24 घंटा के अंदर मध्य प्रदेश शासन घोषित कर दिया। कमिश्नर साहब का आदेश आया तो इस त्रिपाठी जी वाली जमीन में भी त्रिपाठी जी वाली में आया, मेरे में कमिश्नर ने नहीं, 155 जो कमिश्नर साहब ने किया तो जो त्रिपाठी का आया है, अशोक कुमार त्रिपाठी की जमीन और मंत्री वाली में अरविंद त्रिपाठी की जमीन, अरविंद त्रिपाठी में खड़े हैं, और ये राम खिलावन मंत्री जी की जमीन, इन तीनों जमीन, उन तीनों का सरकारी किया गया। क्या नाम है आपका? काजन कुमार जैन। जैन साहब कब से रह रहे हैं यहाँ? सर हम लोग पहले ही यहाँ हुए। ये अभी जो जमीन का मामला चल रहा है, ये बताया जा रहा है शासन की जमीन थी, राजा राम त्रिपाठी जी बनवा रहे हैं, पीछे राम खिलावन पटेल जी की पत्नी का नाम था, वो भी मध्य प्रदेश शासन थी। तो किस तरह से जमीन चल रहा है? साहब यहाँ चलते रहता है, चलेगा यही। किसके दम पर? अरे दम पर क्या, अपना परिवार होता है बस, गुंडा ही शासन सत्ता बस करो, जहाँ जितना मिल सके उतना ले बस बस, और क्या। कोई सुनवाई नहीं, विपक्ष कुछ नहीं करता क्या? विपक्ष विरोध, विपक्ष करेगा, दादा भाई बना है। हाँ। तो आजकल शांत रहते हैं, कुछ करते नहीं है। लूट मची है पूरे, क्या करेंगे आप, पूरे एमपी मचा है यही। सरकार कहती है भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करो, ये मंत्री हैं, कोई नहीं करेगा साहब। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है आप देखिए ना, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या लगता है कितनी लागत की कीमत की जमीनें होंगी? ये सब अरबों की होगी। ये अब मेन रोड में जमीन है, ये जमीनें कम 5,000 जो ये राजा राम त्रिपाठी बनवा रहे हैं, ये इनका पुराना क्या इतिहास था, पुराना कितनी थी जमीन की? आज इतने बड़े बीच शहर में जमीन हो गई, ऐसी कोई जमीन नहीं है माने इनकी रही हो, लेकिन ये जमीन की नहीं है। हाँ। और पीछे जो मंत्री के नाम से थी, उनकी पत्नी के नाम से, और मध्य प्रदेश शासन हो गया है, कमिश्नर ने आदेश दिया है। अच्छा अच्छा, वो किसकी जमीन थी? वो सर सरकारी सब जमीन कहते हैं लोग हैं, फिर अपने नाम से करा लिया बीच में, अभी मध्य प्रदेश कमिश्नर ने फिर से मध्य प्रदेश शासन कर दिया। तो कमिश्नर साहब भी कोई सुन कहा रहा है? एसडीएम तहसीलदार सुनते कहा है? भले आदेश आ जाता है, आ जाए आदेश, रखा रहेगा बस। सुना आपने, यह आरोप कोई साधारण व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि यह आरोप है मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राम खिलावन पटेल पर। जब मंत्री ही शासन सत्ता का दुरुपयोग कर शासकीय जमीन हथियाने में लगे हुए हैं, तो कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भूमाफिया को निस्तनाबूद करने का सपना पूरा होगा, जिसमें उनके द्वारा भरी सभाओं में कहा जाता है कि भूमाफिया को निस्तनाबूद कर दो। हम आपको पहले भी कई बार दिखाए और बताए हैं कि अपनों पर करम, गैरों पर सितम वाला कानून चल रहा है। सत्ता, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के लिए सभी नियम कायदे दरकिनार हो जाते हैं और आम पीड़ित के लिए सभी नियम कायदे लागू होते हैं।
पूरे मामले को लेकर आइए आपको सुनाते हैं हमारे चैनल हिट से एसडीएम के पांडे ने क्या कहा है। राजा राम जी पार्टी के नाम से थी और ये इनके नाम से थी, तो दोनों का ही सर है। अच्छा, तो जब तक आधिकारिक तौर पे हमें सूचित नहीं मैं होता तब तक कुछ कहना बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। असल में यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, कुछ लोगों ने बताया कि अभी भी चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो मैं कहा कि हो सकता है आपके पास ना आ पाया हो अभी कमिश्नर साहब के यहाँ से आदेश। हाँ, क्योंकि कल परसों छुट्टी ही थी। जी जी, आज भी छुट्टी ही है। हाँ हाँ, तो बाद में वहाँ से डाक आएगी। जी जी, हाँ, तो फिर जैसा निर्देश उसमें अपन देखते हैं क्या लिखा है। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक। हाँ हाँ, सुना आपने एसडीएम के पांडे को। हालांकि उनका भी कहना सही है कि शुक्रवार को आदेश हुआ, शनिवार रविवार के बीच में उनके पास नहीं पहुंचा। आदेश पहुंचने पर जो जैसे आदेश होगा उसका पालन कराया जाएगा, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि तहसीलदार का आदेश 2003 में आया, इसके बाद मामला एसडीएम न्यायालय पहुंचा, एसडीएम ने भी शासकीय जमीन बताया, फिर भी कब्जा किया जाता रहा और अब कमिश्नर न्यायालय से भी अपील निरस्त कर माना गया कि उक्त जमीनें मध्य प्रदेश शासन की हैं, पर स्थानीय शासन प्रशासन क्यों नेताओं के दबाव पर घुटने टेक रहा है? क्या लगता है कि जो 2003 से उक्त जमीनों का अतिक्रमण और खरीद का फरोख्त पर रोक नहीं लगाया, अवैध निर्माण नहीं हटाया, क्या कमिश्नर के आदेश के बाद अब उक्त जमीन को खाली करा पाएगा? पूरे सवाल को लेकर जब पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अमरपाटन में अंधेर गर्दी चल रही है, मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह को। एक जमीन है अपने यहाँ नगर परिषद में जी, और जो वर्तमान मंत्री है उनकी पत्नी के नाम से था, एक त्रिपाठी परिवार है जी जी। कोर्ट के आदेश के बाद भी पालन नहीं हो पा रहा, प्रशासन किस तरह से यहाँ काम कर रहा है, कैसे जबरदस्ती है, कैसे आम लोग हैं कि आप यहाँ का नेतृत्व? हाँ, ये तो समझ सकते हैं आप कि कितने दबाव में है यहाँ का प्रशासन। ये 2003 जो मैंने अखबारों में पढ़ा, 2003 में ही सरकारी घोषित हो गई थी तहसीलदार के ऑर्डर से, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। प्रविष्टि शासकीय कागजातों में, खसरों में, खसरे वगैरह जो हैं, प्रविष्टि नहीं हुई, तो शिकायतकर्ता एसडीएम के यहाँ गया। एसडीएम ने इतने साल लिए 2018 में अंतोगत्वा फैसला किया और तहसीलदार के आदेश को सही माना उसने कि ये शासकीय भूमि है और दर्ज होनी चाहिए शासकीय रिकॉर्डों में, शासकीय भूमि के रूप में रिकॉर्डों में दर्ज होनी चाहिए। फिर सामने वाले जिन जो कब्जा किए थे वो कमिश्नर के यहाँ गए, कमिश्नर ने, हमने सुना आज देखा कि परसों या नरसों उन्होंने, कमिश्नर ने इनकी अपील खारिज कर दी। कहना है कि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि 2003 से कमिश्नर के आदेश तक भी वो शासकीय बनी रही, कमिश्नर के यहाँ अपील के दौरान भी शायद कोई स्टे नहीं मिला था जिसके कारण इनके हाथ बंधे हों निचले स्तर के अधिकारियों के। तो इसमें तो ये बहुत ही विचित्र बात है कि एसडीएम तहसीलदार इस शासकीय भूमि की, सरकारी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और निजी लोग उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। उन्होंने इस दरमियान बेच भी लिया, सुना है मैंने कि मंत्री जी की पत्नी के नाम एक त्रिपाठी परिवार ने उसको बेच भी दिया है। ये बहुत आपत्तिजनक है, कम से कम इन रेवेन्यू अधिकारियों को शासकीय जमीनों की रक्षा करनी चाहिए, जो उनका दायित्व है उसका पालन करना चाहिए। अधिकारी कैसे रक्षा करेंगे? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कहते हैं भू माफियाओं के खिलाफ नस्तनाबूद कर देंगे, ऐलान कर देते हैं, उनके मंत्री का नाम आ जाता है, तो सीधी सी बात है कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको तो रहना है ना पद में, तो वो कैसे कर पाए? नहीं, पर मुख्यमंत्री की बात तो सुने समझे, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं जो भू माफिया है, ये तो सीधे सीधे भू माफिया होने का एक सबूत है, तो उसको तो तत्काल कब्जे में लेकर रिकॉर्ड प्रविष्टि शासकीय दर्ज करके एसडीएम और तहसीलदार को पटवारी से करा के आदेश देकर, और जो अवैध निर्माण हो गया है उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। अभी लगातार निर्माण चल रहा है विपक्ष? हाँ, मैंने सुना है कि निर्माण चल रहा है,
तो इसमें तो नगर पालिका का भी दोष है। सीएमओ जो है अगर शासकीय भूमि पर उन्होंने या दी है आप अनुमति नहीं मालूम, अगर दे दी है अनुमति तो वो तो बहुत बड़े दोषी हैं, इसलिए कि अगर शासकीय भूमि है और तहसीलदार ने घोषित कर दी है एसडीएम के यहाँ अपील चल रही तो भी शासकीय तो है ही वो, अगर स्टे नहीं मिला एसडीएम के यहाँ तो उनको उन्होंने अनुमति कैसे दे दी इस बात की। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सीएमओ जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और कलेक्टर को चाहिए कि जो तहसीलदार हैं एसडीएम हैं उनसे भी जवाब लें कि अभी तक शासकीय क्यों नहीं वो दर्ज की गई है। सुना आपने, अमरपाटन विधायक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राम खिलावन पटेल का क्षेत्र में किस तरह का आतंक छाया है। जहां आम जनता त्रस्त है वहीं शासन प्रशासन उनके दबाव में अंधेर गर्दी पर हावी है। थाना प्रभारी झूठे मामले दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं तो प्रशासन खुलेआम हो रहे शासन की जमीन पर अतिक्रमण की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अब ऐसे में भूमाफिया कौन है, किसकी सह पर अवैध कार्य किए जा रहे हैं, यह तो आने वाले समय में होने वाली कार्यवाही के बाद ही पता चलेगा। अब आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राम खिलावन पटेल से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह किसी प्रकार से गलत नहीं किए हैं, शासन का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। कमिश्नर ने यह आदेश दिया है कि उक्त जमीन का नक्शा तरमीम नहीं हुआ था जिसे करा लें। आइए सुनते हैं जब हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने मंत्री राम खिलावन पटेल से बात की तो उन्होंने अपने पक्ष में क्या कहा है। अच्छा मंत्री जी बोल रहे हैं, एक मामला है जमीन का हमारे पाटन में, कमिश्नर के आदेश से अभी निरस्त हुआ है कल, तो उसमें सामने बात आ रही है कि मैडम के नाम से भी जमीन की साथ की जमीन में थी और जो सामने कब्जा कर रहे हैं साहब, तो वही थोड़ा सा। अरे मैडम ने जमीन खरीदी थी मेरे जी सिविल जज के यहाँ से जी, डीजे के यहाँ से, हाई कोर्ट से, तीन के पक्ष में था, कहीं वो नक्शा तरमीन वर्मीन में हो गई है तो उसको तरमीन करने के लिए तहसीलदार को पुनः लिखा। अभी कमिश्नर, हाँ कमिश्नर साहब ने लिखा है कि पुनः तहसीलदार के यहाँ आवेदन लगाएं और उसको मैंने अपना चढ़वा लें, अच्छा तरमीन करा लें जी जी। असल में क्या था कि पहले जो तहसीलदार के आदेश हुआ था कि वो मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, फिर एसडीएम के यहाँ भी तहसीलदार ने कोई आदेश नहीं किया था 2003 में जो था कि उन्होंने किया था कोई चढ़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नक्शा तरमीन पहले नहीं कराया था, उतना कमिश्नर लिखा तहसीलदार के यहाँ पुनः आवेदन लगाए नक्शा तरमीन करा लें बस। मतलब ये आप मानते हैं कि जो 154 बटे 2 जमीन है ये जो उषा किरण पटेल जी के नाम से है वो आपकी वैध है और आप नक्षा... बताओ जी कि सिविल जज ने कर दिया जिससे हमने खरीदा था उसके पक्ष में, फिर डीजे ने कर दिया, फिर हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में कर दिया, फिर कमिश्नर में यहाँ गए थे अपील खारिज हो गई, जो विरोधी लड़ रहा था अपील है स्वीकार ने, तो जो जो जमीन तहसील के अंदर थी तहसील ने, तहसील में जमीन नहीं भाई वो सतना रोड में है, तहसील के अंदर जमीन नहीं है, तो तहसीलदार के यहाँ तो आवेदन था तो तहसीलदार ने माना था कि वो जमीन शासन की है, फिर एसडीएम ने भी माना, फिर कमिश्नर साहब ने भी अपील, नहीं कोई ने नहीं माना, ना तहसीलदार ने माना ना एसडीएम ने माना, उन्होंने कुछ नहीं लिखा जी, तो ये जमीन मतलब आपकी वैध है और आपके नाम से तरमीम नहीं, हमने रजिस्ट्री कराई है, जब वैध थी तभी तो रजिस्ट्री, आरोप है मंत्री जी असल में क्या क्या मंत्री के पद में है, वहाँ के लोग कहना की दबाव में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, शासन की, मैं उस समय मंत्री नहीं था, तो कब की जमीन खरीदी गई थी, किससे खरीदी गई थी, एक पंडित जी से खरीदी थी। अच्छा क्या मानते हैं जो आरोप क्यों लगा रहे हैं ये लोग की मंत्री के दबाव पर, विरोधी आरोप कांग्रेसी आरोप नहीं लगाएंगे, कांग्रेसियों काम क्या, जो ये जैन साहब जो आप शिकायत करता थे तो ये क्या कांग्रेसी, 100% कांग्रेसी हैं वो, 1000 लोगों से जमीन में लड़ रहे हैं। अब अगर मान के चलिए आदेश इस तरह का आता है शासन प्रशासन का, अगर आता है आप चूंकि जवाबदार जो है भाई जो शासन निर्णय देगा वो मंत्री भी सब शासन के आदेश को मानते, बिल्कुल क्योंकि क्या है लोग कानून से बंधे हुए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी कहते भी किसी प्रकार से कोई अवैध नहीं किया जाए, खासकर जमीन भूमाफिया के इसमें अक्सर भैया, जब भूमाफिया की जमीन होगी तब ना। तो यह थे अमरपाटन विधायक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राम खिलावन पटेल, जिन पर आरोप है कि पत्नी उषा किरण पटेल के नाम से शासकीय जमीन का पट्टा करा लिया है, जिनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।